Assalamu alaikum dear students, my name is Rafiq Mir. देखो हमने क्लास 11th का चैप्टर 9 उठाया था सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसके हमने दो टॉपिक आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे दिए हैं. जिस जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है तो प्लीज पहले 9.1 और इंट्रोडक्शन टॉपिक पहले क्लियर करें. मेरे चैनल का नाम है रफीक मीर, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किससे कहते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था प्रोग्रेशन किससे कहते हैं, लेकिन आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ते हैं. चलो मैं एक सीरीज लूंगा, मैं एक सीक्वेंस लूंगा, सॉरी सीक्वेंस लूंगा. सीक्वेंस मैं कुछ इस तरह लूंगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, so on. अगर आप देखोगे ये प्रोग्रेशन भी है और सीक्वेंस तो है ही, क्योंकि प्रोग्रेशन पहले सीक्वेंस ही होनी चाहिए, तो ये एक सीक्वेंस है. इसमें पहली टर्म है 3, दूसरी है 6, तीसरी है 9, चौथी है 12, 15, 18, so on. देखो बच्चों, अगर यहां की पहली टर्म जो है मान लेते हैं इसका नाम ए रखते हैं, A1 या ए रखो, ए मान लेते हैं 3 है. अगर आप दूसरी टर्म की तरफ थोड़ा सा गौर देंगे, थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करेंगे, वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या मैं दूसरी टर्म को लूंगा पहली टर्म, या पहली टर्म का नाम क्या है ए प्लस पहली टर्म ए, ए का मतलब ए का वैल्यू किसके बराबर है, चलो 3 लिखते हैं. और फिर क्या बचा यहां पे, अगर 6 में 3 निकाला तो क्या बचा 3, तो मैं 3 को लिख सकता हूं 1 × 3, अरे वो भी तो 3 हो गया. उसके बाद 9 में से भी एक एक फर्स्ट टर्म को पहले निकालते हैं, 3 प्लस अगर 9 में से 3 को ब्रेक किया हमने, फिर कितना बचा 6, तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3, ये भी हो गया 6, 6 प्लस 3 9 मिला. अगर मैं 12 को मैं लिख सकता हूं, पहले 3 लिखो पहली टर्म प्लस 3 × 3, जरा कर लो 3 × 3 = 9 प्लस 3. इसी तरह 15, 3 + 3 × 4. देखो भाई एक लॉजिक क्रिएट होता है यहां पे, पहली टर्म 3, दूसरी टर्म पहली A1, पहली टर्म A2, मान लो ये A2 है, A2 में पहले A आ गया और 2 यहां पे है, लेकिन यहां पे 1 आ गया और कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी मान लिया 3. उसके बाद ये A ही रहा यहां पे भी, और जब A3 लिखना था तो A3 में से इस वक्त यहां पे क्या आया 2 आया, और मल्टीप्लाई में कोई फिक्स्ड क्वांटिटी जो यहां पे थी वो यहां पे भी थी. उसी तरह चौथी टर्म A4 के लिए पहली टर्म प्लस यहां पे 4 वैल्यू है, तो यहां पे 3 टाइम्स कुछ कांस्टेंट वैल्यू मान लिया 3, तो यहां पे कांस्टेंट चल रहा है, देखो 3 3 3. उसी तरह यहां पे भी 3, A5 में पहली टर्म तो 3 है, पहली टर्म का यूज हर बार हो रहा है प्लस, तो क्या आएगा अगर यहां पे 5 है, तो यहां पे 4 × जो कांस्टेंट टर्म चल रही है, सो ऑन. तो एक लॉजिक क्रिएट हो गया है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया टर्म्स का. ये जरूरी नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेस में हमेशा इंक्रीज हो जाएगा, कभी डिक्रीजिंग भी होगी, तो कभी टर्म में डिक्रीज भी हो सकती है, ऐड नहीं हर बार यहां पे ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, कभी सबट्रैक्ट भी हो सकता है, सबट्रैक्ट भी हो सकता है. देखो ये पहली टर्म जो हर बार चल रही है, हर बार चल रही है, उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, तो यहां पे इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, फर्स्ट टर्म. और जो एक कांस्टेंट चीज चल रही है साथ साथ, कांस्टेंट, उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म, एपी में इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है. और ये जो इससे प्रोसीडिंग कोएफिशिएंट, उस कांस्टेंट का कोएफिशिएंट, उसे कहते हैं ये मतलब सपोज अगर n तो होगा, ये तो n-1 होगा. मिसाल सपोज अगर यहां से हमें कौन सी टर्म चाहिए, अब देखो अगर मुझे 1000 टर्म चाहिए तो आप हर बार नहीं लिखोगे, उसके बाद 21, 24, 27, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा. एक लॉजिक क्रिएट हो गया यहां से, कौन सा लॉजिक, अगर मुझे 100 टर्म निकालनी होगी इसी सीक्वेंस की, इसी प्रोग्रेशन की, तो A100 कुछ इस तरह होगा. हर बार पहली टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म, हर बार पहली टर्म है ए प्लस, देखो अगर दूसरी टर्म होती तो यहां 1 था, मींस 1 कम था, अगर तीसरी टर्म होती तो 1 कम था, चौथी टर्म होती तो 1 कम था, इसी तरह यहां पे 100 टर्म है तो 99, और मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट टर्म है, उस कांस्टेंट टर्म का नाम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, डी से डिनोट होता है, तो मल्टीप्लाई 99 × d, तो A100 यहां से मिलेगा. देखते हैं कैसे मिलेगा, दैट इज A100 मींस 100th टर्म, ए मींस फर्स्ट टर्म, 3 प्लस 99 into
उसके बाद डी का वैल्यू है 3, ठीक है, डी का वैल्यू कॉन्स्टेंट 3 है, तो 3 plus 3 9s are 27, 3 9s are 27, दैट्स 29, दिस प्लस दिस इट बिकम्स 300। तो उसी तरह हमें यहां से पता चला कि nth टर्म किस तरह मिलेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड दिस इज द nth टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड एपी। यहां से एक लॉजिक्स क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर ये होगा 2, 4, 6, 8, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, आप हर बार देख रहे हो गैप क्या है, इस वक्त हर बार गैप 2 है और पहली टर्म भी 2 है, तो ये भी है एक एपी। तो इन जनरल एपी किसे कहते हैं, एपी इज ए सीक्वेंस या एपी इज ए प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है, एक प्रोग्रेशन होता है, एपी एक प्रोग्रेशन होता है। यहां पे मैं एपी की डेफिनेशन लिखता हूं, एज सीक्वेंस विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म में होगी, ए कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2d कमा ए प्लस 3d सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस एंड दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड है दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वायर ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड दिस डी इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट टर्म। ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया एपी का। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस सीक्वेंस को आप इस डेफिनेशन को आप नोट भी कर सकते हो, जो मैंने उससे पहले एग्जांपल दी उसको भी नोट करना, ताकि आपको लॉजिक्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, ओके, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज उसकी बताते हैं, अर्थमेटिक की प्रॉपर्टीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टी फर्स्ट, सपोज इसी तरह एग्जांपल से चलाते हैं, अगर कोई एपी है 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, अगर हर किसी एपी में ऐड करेंगे, ऐड बाय 3 सपोज, तो ये एपी क्या बनेगा, ये वाला एपी क्या बनेगा, 2 plus 3 that is 5, 4 plus 3 that is 7, 6 plus 3 that is 9, 8 plus 3 that is 11, 10 plus 3 that is 13, so on. तो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है कि रिजल्ट जो होगा ये भी एपी ही होगा। चेक कर लो, देखो ना, ये भी एपी है, एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यहां पे देखो ना, कॉमन डिफरेंस 7 में से 5 कम करोगे तो 2 बचेगा, 9 में से 7 कम करोगे तो, हर बार जो है ना डिफरेंस, हर बार जो डिफरेंस सेम होना चाहिए, दो 2, 2, 2, 2, तो दिस इज द एपी। तो ये एक प्रॉपर्टी है, एडिशन प्रॉपर्टी। उसी तरह अगर हम सबट्रैक्ट भी करेंगे, अगर हम किसी एपी में सबट्रैक्ट भी करेंगे, सपोज इसी एपी में हम सबट्रैक्ट 2 से करते हैं, तो कर लो, 2 minus 2 0, 4 minus 2 2, 6 minus 2 4, 8 minus 2 6, 10 minus 2 that's 8, so on. अब देखो ये भी एपी है, देखो ना क्यों एपी है, एपी का मतलब क्या है, हर बार जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहां से यहां कितना डिफरेंस है, 2 में से 0 2, यहां से यहां कितना डिफरेंस है 2, यहां से यहां कितना डिफरेंस है 2, यहां से यहां कितना डिफरेंस है 2, मींस ये भी है एपी है। अगर उसका मतलब है, इन दो प्रॉपर्टीज का कुल मिला के मतलब ये है, अगर हम किसी भी एपी को किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म, किसी भी फिक्स टर्म से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट हमें सीरीज मिलेगी, जो रिजल्ट सीक्वेंस मिलेगी, वो भी तो एपी ही होगी, इसका कहने का मतलब है। तीसरा, अगर हम मल्टीप्लाई भी कुछ करेंगे, सपोज इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3s are 6, 4 3s are 12, 6 3s are 18, 8 3s are 24, 10 3s are 30, so on. आपको देखना क्या ये भी एपी है, जरा इनमें डिफरेंस देखो 6, इनमें डिफरेंस देखो 6, इनमें डिफरेंस देखो 6, इनमें डिफरेंस देखो 6, यस, रिजल्ट इज अगेन एपी। इसी तरह अगर हम चौथी प्रॉपर्टी, अगर हम डिवाइड भी करेंगे, सपोज इसी एपी को लेंगे 2, 4, 6, 10 सो ऑन, अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनेगा 1, 2, 3, 5, ओके, तो सॉरी, या इससे पहले 8 होगा तो ये 4 बनेगा 5, तो आप सीधी सी बात है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो एपी होती है। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी में ये समझ में आया, अगर ऐड भी करेंगे सबट्रैक्ट, लेकिन टर्म सेम होनी चाहिए हर बार, तब जाके भी क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी में
क्या कहती है प्रॉपर्टी, क्या मिलेगा, क्या एपी ही अगेन मिलेगा, एपी ही अगेन मिलेगा। एक और छोटा सा टॉपिक है, अगर हमें किसी भी एपी का सम निकालना होगा, किसी भी एपी का सम निकालना होगा, किस तरह एपी का सम निकालते हैं, लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा आपने 5.3 एक्सरसाइज में, सम ऑफ एपी एस एन से डिनोट होता है, एपी का सम होता है बराबर एन अपॉन टू, टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। एक तो आपने इसमें आपने डेफिनेशन में हमने आपको पढ़ाई और प्रॉपर्टीज कुछ बताई और कुछ एक दो फार्मूलाज बताई, चाहे ए एन है या एस एन है, इनको आप याद कर लो, अच्छी तरह देख लो। इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।